वीर संवत 2492 द्वितीय श्रावण सुद छठ सोमवार तारीख 22/8/66 ना दिने पूज्य श्री गांजी स्वामी नो श्री समय शास्त्र गाथा 6 पर सुवर्णपुरी में प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 24 नमो नोये सौरियंताम नमो नोये सौरियंताम नमो नोये सौरियंताम नमो नोये सौरियंताम नमोनु सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मंगलम नमस्मर स्वागत स्वानुभूत्याचास्ति स्वाय भवाय त्रिकालनिदाता छठी गाथा चलती है। युवा का समय सार की शुरुआत यहाँ से होती है। तो कुमकुमाचार्य महाराज ऐसे कहा कि हमको आत्मा का उपदेश सर्वज्ञ परंपरा से हमारा गुरु तक से जो हमको उपदेश मिला उससे हमारी अंतर आत्मरुद्धि आत्म वैभव आनंद सहित की दशा जो हमको उत्पन्न हुई है वो वैभव से हम समय सार कहेंगे। समझ में आया? उपदेश मिला और अनमत की एकांता का हमारा अत्रुट और युक्ति से खंडन करके हमारा ना आत्मा की सन्मुख में अपनी शांति और आनंद का वैभव हमारी अवस्था में उत्पन्न हुआ है। और तर्क से आगम से अनुमति का खंडन से अपना अनुभव से ऐसी बात किया। हमारा आत्मा शुद्ध आनंद कंद जो द्रव्य था उसका अंतर में विनायक भाव का आश्रय लेकर हमारी वर्तमान दशा में प्रचुर स्व संवेदन रूप स्व संवेदन प्रकट हुआ है। प्रचुर बहुत मुनि है न प्रचुर बहुत स्व संवेदन रूप स्व संवेदन प्रकट हुआ है। ऐसे हमारा चैतन्य का वर्तमान आनंद ने स्ववेदन की भूमिका में रहकर हम समय सार सुनाते हैं एम कहते हैं सिटी। तो शिष्य का प्रश्न हुआ प्रभु मूल शुद्ध जो आप कहते हैं और आपको भी हम सर्वज्ञ से आपका गुरु तक का जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश मिला तो शुद्ध कौन है? यो मूल प्रयोजन भूत बात की रकम है यहाँ। समझ में आया? तो शुद्ध कौन है कि शुद्ध जानने से जानना कहने में आता दूसरा सब जाने पर शुद्ध को न जाने तो कुछ जाना नहीं। समझ में आया? तो भगवान ये शुद्ध कौन है कि जिसके जानने से ज्ञान हुआ और जिससे जानने से आत्मा सफल हुआ। ठीक समझ में आया? मूल प्रयोजन बहुत रकम की बात पूछते हैं। ये बात अनंत काल में उसको मिथ्या दृष्टि का बड़ा पाप और सम्यक दृष्टि में बड़ा धर्म ऐसी महिमा और मिथ्यात में बड़ा पाप उसका ख्याल अनंत काल में आया नहीं। तो कहते हैं भगवान इस शुद्ध किसको कहते हैं? तो कहते हैं सर्वावालिया। तो भगवान आत्मा जो विनायक स्वरूप है शुद्ध चैतन्य मूर्ति है द्रव स्वभाव है
चैतन्य का नूर ने पूर स्वभाव है, वो स्वभाव वर्तमान शुभाशुभ भाव रूप पर्याय में दिखते हैं, पर्याय में अवस्था में हालत में। तो भगवान ज्ञायक स्वभाव जो है वो शुभाशुभ परिणाम रूप हुआ ही नहीं। समझ में आया? इस शुभाशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव त्रिकाल शुद्ध आनंद कंद सचिदानंद सिद्ध स्वरूप उसको परद्रव्य से भिन्न कर्म आदि का लक्ष्य से लक्ष्य छोड़कर परद्रव्य से भिन्न क्या कहें देखो अन्य द्रव्यों के समस्त भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ आ शब्द मैं सेवित हुआ ऐसा शब्द है तो यहाँ उसमें भी ऐसा लिख लिया है सेवित हुआ हाँ तो उपासित होता हुआ पंडित जी को पूछा था होता हुआ ठीक है हाँ तो वो पहले सामान कह दिया है जयचंद पंडित अर्थ अच्छा है क्या किया कि भगवान आत्मा शुद्ध है कहते हैं ज्ञायक जो चैतन्य भाव है ध्रुव वो शुभ शुभ भाव रूपे हुआ नहीं वो कारण से उसको प्रमत अप्रमत कहने में आता नहीं दूसरी दृष्टि से कहिए तो एकला ज्ञायक भावी पर्याय की दृष्टि बिना अवस्था का लक्ष्य बिना ज्ञायक भाव है वो ये दृढ़ स्वभाव है समझ में आया उसमें कोई उदय भाव पुण्य पाप का के उपशम भाव के सूक्ष्म भाव के सहायक भाव वो पर्याय ज्ञायक भाव जो दृष्टि का विषय है उसमें वो आता नहीं समझ में आया पर यहाँ तो इतना सिद्ध पहले किया अशुद्धता नहीं ऐसा सिद्ध करना है पहले समझ में आया तो अशुद्धता का अर्थ ही आया कि प्रमत अप्रमत नहीं तो 14 गुण स्थान का भेद अंदर में नहीं। समझ में आया भगवान आत्मा चैतन ध्रुव पूर्णानंद प्रभु ओ शुभाशुभ राग रूपे हुआ नहीं तो भेद रूपे हुआ नहीं 14 गुणस्थान रूपे हुआ नहीं समझ में आया ऐसा ज्ञायक भाव को परदर से भिन्न अपने में उपासित होता हुआ वो वजन है पंडित जी का तो पंडित जी का स्वास्थ्य ठीक स्वास्थ्य बड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं उपासित होता हुआ अपने से पुरुषार्थ करके उपासित होता हुआ समझ में आया कोई कर्म का मंदपना हुआ कि ऐसा हुआ तो हमारा आत्मा उपासित हुआ ऐसा नहीं समझ में आया क्या कहते हैं कि समस्त अंद्रव्यों के भावों से अंद्रविना भाव विकार कहेंगे बात नहीं जड़ कर्म उसकी शक्तियां उसकी वर्तमान उदय भाव की दिशा ये सब जड़ भाव है उससे भिन्न अर्थात जो उदय है कर्म का वो जड़ भाव है जड़ की पर्याय है तो उसका जो लक्ष्य था तो जड़ भाव से भिन्न पर से भिन्न उसे लक छोड़कर अपना ज्ञायक स्वरूप शुद्ध चैतन्य ध्रुव है उसको पर भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ अपनी सेवा अपने से करता हुआ उन्नीस जी के बारे में होता हुआ मैं स्वाश्रित आता है ठीक उसमें स्वाश्रित है पंडित जी हाँ उसको ये मार निकालना था अंदर से भगवान आत्मा कोई विकल्प था कि निमित्त था कि कर्म में कोई मंद पड़ा हो गया
वो कारण से आत्मा बिन लक्ष्य करके उपासित होता हुआ ऐसा नहीं है। समझ में आया? विनायक प्रभु ध्रुव स्वरूप वो परका लक्ष्य में पर्याय बुद्धि में था, पर्याय के अंश बुद्धि में था, तब परका लक्ष्य था। समझ में आया? जब परका लक्ष्य छूटा तो पर्याय बुद्धि छूट गई, तो अपना विनायक भाव जो शुद्ध है, विनायक भाव है, उसको उपासित होता हुआ, अपना स्वभाव की सेवा करता हुआ, वो देव को शुद्ध कहने में आता है। समझ में आया? देव को हो कहना है तो विनायक को शुद्ध, पर कम शुद्ध उसको कहते हैं कि वो तर्प का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में द्रव को सेवता हुआ, उपासित होता हुआ, ऐसा जब वितरागी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शांति और आनंद की पर्याय से आत्मा को सेवता हुआ, उपासित होता हुआ, तब द्रव को शुद्ध कहने में आता है। समझ में आया? हैं? पर्याय की शुद्धि यहाँ लेना नहीं, इसी में पर्याय की शुद्धि तो पूर्ण हो तो भाई पर यहाँ द्रव का लक्ष्य है, जो पर्याय की शुद्धि होती है अल्प होती है। समझ में आया? तो पर्याय की शुद्धि द्रव के लक्ष्य हुई, पूर्ण शुद्धि नहीं, तो द्रव पूरा शुद्ध हो जाए पर्याय में, ऐसा नहीं। समझ में आया? आए तो द्रव को शुद्ध कैसे कहते हैं? पर्याय में शुद्ध है तो पूर्ण होता कर शुद्ध हो जाता है। समझ में आया? पर भगवान आत्मा एक समय में चैतन बिंब प्रभु, जिसमें अनंत अनंत सीध परमात्मा की पर्याय, सादी अनंत जितनी पर्याय है, ये सब आत्मा में पड़ी है, पर वो भेद नहीं। एक भगवान विनायक भाव, एक रूप, उत्तर्भ का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में द्रव को सेवता हुआ, उपासित होता हुआ, अपने पुरुषार्थ से अपनी आत्मा की सेवा करता हुआ, द्रव को शुद्ध कहने में आता है। समझ में आया? तब सम्यक दर्शन होता है। जीवन से चुन गए यार, तुम्हारे जीवन वो अभ्यास करवो पड़े करेंगे। सुनिभा से दर्शन सुनिभा, हाँ हमारे मोड है, बड़ा अभ्यास दिखाओ मोड, रान पर ना विष्णु गुलाट खाइए, वो विष्णु को पल दिया, विष्णु विष्णु सब बहुत अच्छा है, विष्णु सब बोलते गिरे आ मार्ग, अच्छा बहुत विचार है। समझ में आया? हाँ तो वो विष्णु है तो विष्णु का दर्शन दिया। समझ में आया? आत्मा कोई विष्णु है नहीं, कोई जैन की पर्याय में नाम नहीं लिखा है उसने, ज्ञान तो विष्णु ही है। विष्णु तो ज्ञान स्वपर का प्रकाशक होते हैं, वो अपेक्षा आत्मा को विष्णु कहते हैं। सारा लोकालोक को जानने की शक्ति रखते हैं और प्रकट होते हैं, सारा लोकालोक को जानते वो अपेक्षा से आत्मा को विष्णु कहने में आया। तो शासन पाठ हो सब, हमारे घर की बात नहीं कहते, ज्ञान ही व्यापक थे बस वो। समझ में आया? भगवान ऐसी एक समय की व्यापकता, ऐसी अनंत व्यापकता का पर्याय अंदर गुण में पड़ी है। एक समय की व्यापकता नाम लोकालोक को जाने, ये तो एक समय की ज्ञान की अवस्था का सामर्थ है। ऐसी अनंती अवस्था का सामर्थ ज्ञान गुण में पड़ा है अंदर, ऐसा एक गुण नहीं पड़े, ऐसा अनंत गुण का एक रूप विनायक चिदानंद भगवान, ओ तर्प का लक्ष्य करके
शुभाशुभ भाव रूपे हुआ नहीं तो तेरे क्या है। अरे हम कहते भाई वो शुभाशुभ भाव रूप तो हुआ ही नहीं तो क्या तेरे शुभा ऊपर तेरे लक्ष्य करना है। वो तो वस्तु तो ऐसे हुई नहीं हुई नहीं वो तेरे दृष्टि में लेना है। समझ में आया। भगवान आत्मा भेद रूप हुआ नहीं। बीजी दूसरी भाषा ही कहें तो द्रव्य है वो पर्याय रूप आया पर्याय में आया ही नहीं। समझ में आया। ए, वो बात है द्रव्य जो है वस्तु है एक समय का स्वभाव का पिंड वो एक समय की पर्याय में आया ही नहीं। पर्याय में आ जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए और एक समय की पर्याय द्रव्य में घुस जाए तो भी पर्याय का नाश हो जाए। समझ में आया। भगवान एक समय का प्रभु जो उत्पाद की पर्याय से रही। समझ में आया। आश्रय करने वाली पर्याय है पर वो द्रव्य में वो पर्याय का भेद नहीं। समझ में आया। आश्रय करने वाली उपासित होता हुआ तो पर्याय है सेवना करते हैं पर्याय है पर जिसकी सेवा करना है उसमें पर्याय नहीं है। प्रगट पर्याय रूप नहीं है सारी पर्याय की शक्ति रूप द्रव्य है। समझ में आया। सूक्ष्म बात है या पहली बात है सम्यक दर्शन किससे होता है किस रीति से होता है उसको इन्हें लक्ष्मण ही कभी लिया नहीं। जो महान धर्म की पहली शुरुआत जहाँ से होती है पीछे वो बिना कोई त्याग वैराग। समझ में आया। सब रण में अरण रुदन जैसा है। भगवान आत्मा एक समय में कहते हैं कि नायक पणे प्रभु पड़ा है पूर्ण तेरा विश्वास तेरे स्वभाव पर जाने से तेरी स्थिरता स्वभाव पर होने से और तेरा ज्ञान ज्ञेय को पकड़ने से जो द्रव्य का सेवन हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से सेवा हुआ तब द्रव्य को शुद्ध कहने में आया। शुद्ध की अंश पर्याय पूर्ण शुद्ध नहीं। बराबर। समझ में आया। शुद्ध ज्ञायकपणा का पकड़ने से पर्याय में अल्प शुद्धता आती है। जो अल्प शुद्धता न आवे तो द्रव्य को सेया है और द्रव्य दृष्टि में लिया है ऐसा हुआ ही नहीं। नारदन जी समझ में आया। हाँ तो सादी भाषा में बात है बहुत ऐसा संस्कृत व्याकरण के ही नहीं है। भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद प्रभु पर वो पूर्णानंद एक रूप शुद्ध क्यों कहा। ज्ञायक पहले कहा तो ज्ञायक एवं बनंती शुद्धम नवी हुई अपमत्तो न पमत्तो ज्ञाय जो भोवा जो भाव ज्ञायक जान गो जो भाव ज्ञायक भाव के चित्ती का मैं एक लिया। ज्ञायक भाव शब्द में से निकाल कर अमृत चंद्र ज्ञायक भाव एक है एक है। वो शुभाशु प्रणमन पे नहीं होता तो अप्रमत प्रमत अनेक पणा उसमें नहीं आया एक में अनेक नहीं आया एम सिद्ध किया है। समझ में आया। और वो एक स्वरूप है उसकी सेवा करी जब पर्याय वो तरफ का झुकाव करके दृढ़ स्वभाव तरफ की सेवा किया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हुई अभेद रत्न त्रय की पर्याय को उपासमान हुआ कहने में आता है। समझ में आया। तब वो आत्मा को शुद्ध कहने में आया तब उसका ख्याल में अशुद्ध ऐसा आया। अशुद्ध की एकता हो और द्रव्य शुद्ध में लक्ष्य में आवे ऐसा हो सकते नहीं कभी एम कहते हैं। समझ में आया। राग और निमित्त में एकता हो और आज्ञायक शुद्ध है ऐसा शुद्ध मानते हैं ऐसा हो सकते नहीं। बराबर। बुद्धिका जी सूक्ष्म है बात
धर्म सम्यक दर्शन की बात पहली है। वो बिना ज्ञान उसका सम्यक नहीं, वो बिना उसका व्रत नहीं, परिमा परिमा सब एकड़ा बिना ना मीडा है। चारित्र कहाँ से आया, कहाँ थमना है, कहाँ रुकना है, वो चीज कहाँ है, कैसी है, तो ख्याल में आए नहीं। समझ में आया देवलाल जी? कहते हैं उपासित होता हुआ स्वतंत्र आत्मा निमित्त और राग की अपेक्षा छोड़कर छोड़कर अपना ज्ञायक भाव की अपेक्षा करके अपनी पर्याय में द्रव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तब शुद्ध उसका भान में आता है, कहलाता है तो शब्द है। समझ में आया? तब अशुद्ध ऐसा उसका भान में आते है। लो क्या लग तो आया है कल, अरे की तीन पद का अर्थ हुआ, चौथा पद रह गया है। देखो नवी हुई अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव एवं भनंती शुद्धम, तीन पद आया। तो तीन पद में दो नई का निषेध कर दिया। कौन? कि जो शुभाशुभ भाव का निषेध हुआ भाई, तो शुभाशुभ भाव विकार है, तो असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। तो असद्भूत व्यवहार दो प्रकार की है, एक उपचारिक एक अनुपचारिक। तो जो ख्याल में आते हैं राग वो असद्भूत उपचार, और ख्याल में न आते हैं छते होना चाहिए, क्योंकि राग बुद्धिपूर्वक जब ख्याल में आते हैं तो त्या स्थूल उपयोग है, तो यहाँ दूसरा अबुद्धिपूर्वक ख्याल में नहीं आने वाला कषाय है, ऐसा जानना कि असद्भूत अनुपचार का विषय है। जानने में आया है बस इतना, असद्भूत उपचार का विषय है, जान में ना आया असद्भूत अनुपचार का विषय, दो को निषेध कर दिया यहाँ। बराबर समझ में आया? अध्यात्म की चार नहीं है, व्यवहार की, व्यवहार की सद्भूत असद्भूत दो, और सद्भूत का दो भेद उपचार ने अनुपचार, और असद्भूत का दो भेद उपचार ने अनुपचार है। तो व्यवहारचार्य बराबर तो यहाँ पहले भगवान आत्मा विनायक शुद्ध है, विनायक है, ऐसी परतें लक्ष छोड़कर अपना लक्ष बनाकर द्रव की उपासना किया, अनादि से राग की उपासना करते थे, पुण्य पाप ने विकल्प की भी उपासना करते थे, तब लग तो वो अशुद्ध लक्ष का अनुभव मिथ्या दृष्टि का था। समझ में आया? जब वो पुण्य पाप का लक्ष जो पर से है वो भी लक्ष छोड़ दिया, लक्ष छोड़ दिया तो सुबह शुभ भाव का लक्ष छूट गया, छूट गया तो लक्ष आया द्रव ऊपर। विनायक चैतन्य प्रभु अपना स्वभाव के ऊपर लक्ष करने से पर्याय में उसकी सेवा हुआ, सेवता हुआ, द्रव को शुद्ध कहने में आता। समझ में आया? तो दो नहीं का निषेध हो गया, सद्भूत उपचार अनुपचार। लोग आ गया ने? ये राग विकार है वो ख्याल में जरी आते हैं, उसके उपेक्षा से असद्भूत उपचार कहते हैं। ख्याल आते छते जानना आ है उपचार, ख्याल में न आने वाला है असद्भूत वस्तु में नहीं, पर छता ख्याल में आया उसको उपचार कहा, ख्याल में न आते उसको अनुपचार कहा, दो का निषेध हो गया यहाँ। हमें तीजा बोल में सद्भूत उपचार नहीं का निषेध करते हैं, ये भी आएगी। चौथा पद में सद्भूत उपचार नहीं का निषेध करते हैं, सातवीं गाथा में सद्भूत अनुपचार नहीं का निषेध करेगा। समझ में आया? बार गाथा में सारा समय सार का बीज पर आए, पंचायत ध्याय कह रहे जो चार नहीं निकाली है वह बार गाथा में से निकाली है, खरीखर तो छठी ने सातवी से निकाली है चार। सारजन जी वो पंचायत जय में है ना, वो यहाँ से निकाला है।
थोड़ा नया मानस ने जरी शब्द कठिन पड़े पर ख्याल में रखना कहीं है कहीं कहते हैं ऐसा तो समझ लो ना सद्भूत अशुद्ध क्या वो कहते हैं क्या देखो कि अप्रमत नहीं सेवा शुद्ध कहलाता है। ऐसी दृष्टि जब हुई तो असद्भूत दो प्रकार का विकार आत्मा में है नहीं ऐसा सद्भूत पर्याय में है दूसरा निषेध हो गया। अरे जैसे अरे चौथा पद का अर्थ आता चलते आज नाओ जो सो सोचे वह ज्ञात हुआ वो ज्ञायक ही है ज्ञात हुआ वो ज्ञायक ही है दूसरा नहीं है इतना शब्द का अर्थ हमें करेगा समझ में आया क्या कहते हैं देखो जैसे वो चौथा पद का अर्थ चलते हैं दायनाम जलने योग पदार्थ जलने योग पदार्थ के आकार होने से अग्नि दहन अग्नि को दहन कहते हैं जलाती है ना वो अपेक्षा से दहन कहते हैं तो जलाने वाली अग्नि जलने योग पदार्थ के आकार होती है सत्ता वो जलाने योग पदार्थ रूप नहीं हुई है अग्नि तो दहन है जलाती है ऐसा कहा और दहन है वो जलाने योग पदार्थ के आकार होती हुई अग्नि हुई है और जलाने योग पदार्थ रूप अग्नि नहीं हुई है समझ में आया। आ दृष्टांत है वो तो आचार्य दृष्टांत दिया ना अमृतचंद्राचार्य पाठ की बात दृष्टांत द्वारा सहली होती है सहली सुगम समझ में आए तो पाठ तो सूक्ष्म है तो अमृतचंद्राचार्य दृष्टांत देकर प्रभु या ऐसे कहते हैं कुनकुंदाचार नाओ जो सो उ सोचे वह जो विनायक भाव प्रसिद्ध है विनायक विनायक तो ऐसा हुआ कि पर को जानते हैं ऐसा हुआ विनायक वो विनायक में पर से जानता हुआ ऐसा आया तो क्या कि पराधीन है इतना पर को जाना इतना गिनई के अध्ययन हुआ और इतनी अशुद्धता उसको लागू पड़ी कि नहीं लागू होता नहीं लागू हुई कि नहीं कि नहीं वो सिद्ध करना है तो दृष्टांत दिया अग्नि का अग्नि जो है जलाने योग लकड़ी को जलाती है तो क्या जलने वाली जलाने वाली अग्नि जलाने योग पदार्थ के आकार हुई है कहा पर वो आकार अग्नि का आकार है पर का आकार नहीं समझ में आया जलाने युग पदार्थ का आकार उसमें आया ही नहीं हो गई ऐसी पर वो तो अपना आकार में अग्नि की पर्याय में अग्नि ऐसा हुआ है अग्नि की अवस्था जलाने युग पदार्थ की अवस्था रूप नहीं हुई है समझ में आया तो दृष्टांत हो पीछे सिद्धांत तो आत्मा में उतारना है ना हो जो जनायो न्यायक जनायो से तेज है कि पर को जानते ऐसा आया ना अंदर में जानने वाला पर को ऐसा आया है ना सुन तो सही कि अग्नि पर को जलाने युग को जलाती है ऐसा कहा वो आकार होने से जलाने युग आकार देखो छाना होता है ना छाना क्या कहते हैं गोबर गोबर उसको जंगल में सूखा जाता है ना सूखा है तो उसको हमारे अडाया कहते हैं अडाया अडना चंदना अडाया सुखाई जाए क्या क्या सुखाई जाए ना खापे उसको छाना कहते हैं छान को लावे ने पची खापे छाना कहते हैं और जो जंगल में सुखाई जाए उसको अडाया कर अडाया इसलिए हम न्याया सुखा गया था चेंजा सुखा हुआ वो अग्नि में जो डाले तो अग्नि वो बोलकर ऐसी अग्नि आकार ऐसे हो जाता है अडाया होता नहीं ऐसा ऐसा हाँ छान का गोबर का बहुत सो लो आज तो छाना आकर बहुत सरस लगे थे कि सूखा हुआ देखे तो घर पड़े बाहर तो अग्नि हो तो ऐसे आकार अग्नि हो जाती है जलाने युग पदार्थ के आकार होती है पर वो जलाने युग पदार्थ के आकार अपनी पर्याय हुई है पर के पर रूपे हुए नहीं जो जलाने युग पदार्थ के आकार रूप नहीं हुई है आकार ना वो
वो रूपे नहीं हुए, वो तर्प का अपना अग्नि का स्वभाव जो है अपने आकार में ही आकार रूप हुई है, अपनी पर्याय में वो आकार रूप हुई है, पर की पर्याय में आकार रूप हुई है, ऐसा नहीं। देखो सूक्ष्म है सच भाई, जैसे दाह्य जलने योग पदार्थ के आकार होने से, जो आकार होने से कहा, पर कौन आकार होने से, अग्नि, अग्नि आकार रूप हुई है, अग्नि को दहन कहते हैं, दहन कहते हैं, जलाती ऐसे कहते हैं, जलाती ऐसे नायक है, कहते हैं कहना है ना, नायक जानने वाला ऐसे कहते हैं, दहन कहते हैं, तथापि उसके दहाय कृत अशुद्धता नहीं होती, जलानी एक चीज की आकृति या नहीं आई है, या तो अपनी पर्याय यहाँ अग्नि की है, दहाय कृत पर पदार्थ की अशुद्धता अग्नि को लागू नहीं पड़ती, समझ में आया। गुजराती में तो बार बेचार पांच भाषा आया, अनुभव आवड़े आवे नहीं फसे का दावे जी खास नहीं कार्य थी नहीं, ये कार्य हुई नहीं, समझा ने जी, पर ने आकार, पर नो आकार परमा रहो, स्व नो आकार स्व आयो, ये अपना आकार हुई है, पर ने आकार हुए छते अपने आकार हुई है, पर क्या आकार हुई नहीं, तथापि उसके दहाय कर अशुद्धता नहीं होती, तो इतना सिद्ध किया बस, क्योंकि अग्नि पर को जलाते होते पर अग्नि अपनी पर्याय में पर के आकार रूप, अपनी पर्याय रूप होकर रही हुई है, पर के पर्याय रूप होकर आकार रूप हुई है, ऐसा है नहीं, को दृष्टांत और सिद्धांत को सरल करने में कारण। उसी प्रकार ज्ञाकार होने से देखो ज्ञान में राग आदि का ज्ञान होता है, समझ में आया, ये भी ज्ञेय हो राग, भगवान आत्मा अपना ज्ञाय का भान हुआ तो स्वपर प्रकाश ज्ञान हुआ तो उसमें जो राग है वो राग वो तो वो पहले तो असद्भूत का भेद किया था, अरे राग का ज्ञान की बात करते हैं कि राग जैसा आते हैं जो बाहर में कथा में कहेगा यदा जाने लो प्रयोजन, वो ज्ञान जो है इस स्व को ज्ञान जानते हैं और राग आया उसको जाना, तो राग संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान पढ़ना, ये राग ज्ञेय आकार हुआ, पर ज्ञान ज्ञेय आकार है, राग आकार राग रूप होकर ज्ञेय आकार नहीं हुआ, सही नहीं, ज्ञाकार होने से ज्ञाकार का शब्द पर तो ठीक बनाई तो राग मारे लेना है सूक्ष्म, ज्ञान में राग जैसा आते हैं ऐसा ज्ञान उस संबंधी का ज्ञान वो प्रकार का ज्ञान या प्रणमन होता है, पाणु ज्ञाकार नाम राग रूप होकर ज्ञान राग का ज्ञान रूप हुआ ऐसा है, राग का ज्ञान ज्ञान रूप होकर राग का ज्ञान ज्ञाकार रूप राग ज्ञानाकार रूप होकर ज्ञाकार रूप हुआ है, हरि ने जैसे अग्नि पर के आकार हुई है तथा पर की पर्याय रूप होकर हुई है नहीं, अपनी पर्याय रूप आकार होकर हुई है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञायक जो है तो उसने ऐसी आवाज हुआ, देखो कि ज्ञायक तो प्रिय उसी प्रकार ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, क्या कहते हैं जानते हैं वो प्रसिद्ध है, राग को जानते हैं ज्ञायक ऐसी बात प्रसिद्ध है, व्यवहार राग को जानता है ऐसी बात प्रसिद्ध है, कहते हैं उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं और राग के राग कृत अशुद्धता नहीं, राग है तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप हुई है ऐसा नहीं, समझ में आया, अपना ज्ञान स्वरूप भगवान अपने को जानना हुआ तो उसमें क्या ज्ञायकता है
तो पर को भी जानते हैं राजा जी को, तो जानो तो क्या हुआ उसमें, क्या राग रूप होकर ज्ञान रूप ज्ञाकार हुआ है, राग रूप होकर ज्ञान ज्ञाकार हुआ है, ज्ञान ज्ञाकार रहकर राग को जानते हैं। भैया सूक्ष्म मूल गाथा है ना, जो सूक्ष्म है, समझ में आया मूल है, फिर से हमारे सुन के भाई वंस मोर, ये वंस मोर है, समझ में आया। वो तो हम भी नहीं छोड़ते चंद्र, दो चार पांच महीने किया बिना। वस्तु चैतन्य ज्ञायक उसकी उपासना से शुद्ध कहा तो ज्ञान में विनायक नाम प्रसिद्ध हुआ, तो जानने वाला है, जानने वाला है, तो जानने वाला राग को जानते हैं, विकार को जानते हैं, सब प्रसिद्ध हुआ वो। परंतु आत्मा जैसे अग्नि जलाने योग के आकार होते छते जला अग्नि के आकार रूपे हुई है, भगवान आत्मा राग को जानते हुए इन्हें का आकार रूपे जानते हुए इन्हें ज्ञान का आकार रूपे होकर राग को जानते हैं, ज्ञान का आकार होकर जानते हैं, राग राग रूप होकर जानते हैं, ऐसा नहीं, समझ में आया। प्रमाण का क्या है ना, प्रमाण ज्ञान को सद्भूत उपचार नहीं का विषय कहा है पंडित जी, वो पंचाध्याय में चार नई उतारी है ना, तो दो तो पहली कह रही, अरे तीसरी ऐसी उतारी है कि स्वपर प्रकाश प्रमाण ज्ञान वो सद्भुत व्यवहार सद्भुत उपचार नहीं का विषय है प्रमाण, पर विषय है सद्भुत व्यवहार नहीं का, सुनो पर्याय है ना, क्या किया भगवान आत्मा अपना ज्ञान हुआ और राग का भाव हुआ तो प्रमाण ज्ञान हुआ, प्रमाण ज्ञान समझ में आया, नीचे दो का ज्ञान प्रमाण ज्ञान, तो प्रमाण ज्ञान को यहाँ से ले आया चौथा पद से कि प्रमाण ज्ञान को सद्भूत उपचार नहीं कहते हैं, क्यों कि ज्ञान अपना है इतना सद्भूत, पर उसको जानते हैं ऐसा कहना है उपचार है। सूक्ष्म पड़ेगा, थोड़ा लक्ष्मत लेना पड़ेगा कि नहीं, प्रमाण ज्ञान है वो पर्याय है, स्वकोन पर को जानने की पर्याय है, तो प्रमाण पूते सद्भुत उपचार नहीं का विषय है, क्योंकि सद्भुत नाम ज्ञान तो अपना है, अपनी हयाती है तो पर को जानते हैं, अरे अपनी है तो सद्भुत हुआ, पर को जानते हैं कैसा कहना उपचार है, तो खरे खर पर को जानते नहीं, अपनी पर्याय तो जानते हैं। थोड़ा थोड़ा पन समझने की चीज है, सूक्ष्म पड़े पर वो समझे बिना उसका कोई भी आरा नहीं, मरी जाए फूटी जाए हजार हजार वर तप करे, समझ में आया। महाव्रत पाले न व्रत पाले है क्या, महाव्रत व्रत अनुभव की दृष्टि बिना सम्यक दर्शन बिना आया कहां से, समझ में आया। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को अपना द्रव की उपासना हुई तो शुद्ध हुआ, ऐसी दृष्टि में आया तो ज्ञान में स्वपर प्रकाश कर रहा है, तो ज्ञान में स्वपर प्रकाश रहा तो राग बाकी है उसको जानते हैं, तो राग जैसा राग आया, जैसी दया भाव का भाव आया, जैसा विकल्प आया, वो प्रकार का ज्ञान यह होता है, पर वो प्रकार का ज्ञान होने होते पर वो विनय रूप होकर एक ज्ञान नहीं हुआ है, ये अपना ज्ञायक पर होकर एक ज्ञान हुआ है। तो ज्ञेय जैसे अग्नि को दायु पदार्थ की अशुद्धता उसको लागू पड़ती नहीं, ऐसी भगवान आत्मा अपने को जानते हैं, साथ में राग को जानते हैं, तो राग है तो जाना, ऐसी अशुद्धता स्वपर प्रकाश में धर्मी को लागू होती नहीं, समझ में आया। हम पुनरुक्ति लगती ही नहीं, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बात फिर थोड़ी आती है, फिर है।
देखो उसी प्रकार अग्नि के दृष्टांत हैं ज्ञाकार होने से जैसा राग आया विकल्प आया दया का आया समझे और ज्ञानी को तो कुछ बुद्ध ध्यान का ही परिणाम होता है समझ में आया पांचवा गुण स्थान होता है कि नहीं छठे नहीं छठे अध्ययन होता है तो कहते हैं जिस प्रकार का अशुभ आदि राग है कि शुभ राग आदि है उस समय ज्ञान अपनी ज्ञायकता से अपने को जानते हैं पर को जानने का परियार्य प्रणमना उसका स्वभाव है पान और राग आया गिने है ये अस्थि है तो यहाँ ज्ञान का ये रूप प्रणमन अस्थि हुआ ऐसा नहीं राग है कि पर वस्तु है तो यहाँ ज्ञान का पर प्रकाशक रूप प्रणमन हुआ ऐसा नहीं अपना स्वभाव में ज्ञायक पणे ज्ञान प्रसिद्ध हुआ कि अपनी पर्याय से प्रसिद्ध हुआ है पर के कारण से प्रसिद्ध हुआ ऐसी अशुद्धता उसको स्व पर प्रकाश में भी लागू होती नहीं चंद भाई थोड़ापन जैसा ऐसा समझना पड़ेगा ये समझे बिना सत्य ज्ञान हुए बिना वो सत का जवाब नहीं मिलेगा वस्तु ऐसी सत है समझ में आया तो जैसा स्वरूप है ऐसी रुचि ने ज्ञान न हो तब सब जवाब नहीं देगा मैं ऐसा शुद्ध ऐसा अनुभव नहीं होगा समझ में आया तो कहते हैं भगवान ज्ञाकार होने से आ तो पहले व्यवहार लिया हो राग है ऐसा आकार यहाँ हुआ उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है राग को जानना पर को जानना स्व को जानन पर को जानना ऐसी ज्ञायकता में प्रसिद्ध है तथापि तो उसके ज्ञीकरण प्रशुद्धता नहीं वो राग है तो जानना हुआ ऐसी पराधीनता की अशुद्धता ज्ञान को नहीं स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद ब्रह्म भारी बनाशिला का श्लोक है स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद भ्रम भारी ज्ञेय शक्ति द्विविधारे प्रकाशी निज रूपा पर रूपारे भाषी मनाशिदासन बहुत काम किया है बहुत काम वो अनुभवी पुरुष था समझे गृहस्थाश्रम में हो उसमें क्या है गृहस्थाश्रम में है ही नहीं संचित तो अपनी पर्याय में द्रव गुण पर्याय में है समझ में आया तो कहते हैं स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ये हमारी शक्ति है ताते वचन भेद भ्रम भारी तेरे को कहे उसको जाना उसको जाना वो के हमको जाना होगा उसको जाना ऐसा वचन के भेद बहुत पड़ जाते हैं ज्ञेय शक्ति द्विविधारे प्रकाशी स्वरूपा स्वज्ञेय शक्ति द्रूपा प्रकाश स्वरूपा पर रूपा रे भाषी पर भाषो अपने में समझ में आया जिसकी दृष्टि अपना ज्ञायक ऊपर से अपनी उपासना से जो शुद्धता प्रकट हुई उससे शुद्ध आत्मा ऐसा भास हुआ उसका ज्ञान में स्वपर प्रकाश पर्याय प्रणति है जैसा राग है जैसा दया भाव है जैसा विकल्प उठते हैं वो प्रकार का ज्ञान ज्ञाता रूप होता है पर वो ज्ञे नाम राग रूप होता है ऐसा नहीं अपना ज्ञान की पर्याय को होकर प्रणमित होता है ज्ञेय को भिन्न करके ज्ञेय को भिन्न रखकर दूसरी भाषा ही कहिए तो सम्यक दृष्टि व्यवहार रत्नत्र को पर ज्ञेय को भिन्न रख करके पर संबंधी जो अपना ज्ञान वो रूप ज्ञान प्रणमता है पर है तो प्रणमा है ऐसी अशुद्धता ज्ञायक तो लागू होती नहीं समझ में आया अरे भारी बात भाई आओ मार्ग एक मार बहु आतो भाई जीवन के एक मानो के जीवन बहु कांटो के एम के तरफ
झीणा समझे ना, दूरा दूरा हो तो दूरा निकल बारी, सूतर नहीं निकलता सूतर बारी, बहुत बारी 120 नंबर का बहुत बारी, क्योंकि बहुत बारी भगवान तेरा बारी की जबा है, सुन तो सही है, तेरा द्रव बारी, तेरा गुण बारी, तेरी पर्याय बारी, और सपर प्रकाश का तेरा स्वभाव ये बारीक है, तुम तो सही, तेरा अस्तित्व का तेरे नक्की करना है कि नहीं चिठी। जो मुख्य पहले करना है उसकी तो दरकार नहीं, और वो सिलाई का दूसरा सेला लगते करो, ऐसा राजमंद करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसा हमें तो अनंत बैर किया, तेरा तत्व का भान बिना उसमें कुछ जन्म मरण का अंत आया नहीं, समझ में आया। लोग तो बाहर से देखे, हेलो स्त्री का तो स्त्री है उसको लड़का होता है, चन्नु हजार स्त्री है चक्रवर्ती को लड़का होता है, इसको भोग लेते हैं हमेशा, अरे सुन तो सही, वो भोग लेते हैं आत्मा का, अने तुम त्यागी होकर राग में एकत्व बुद्धि, तुम भोग लेते हैं भोग विकार का, इतना फेर है वो आता है ना, पंडित जी आते हैं वो नारकी ने, नारकी कृत बाहि दुख भोगत अंतर सुख की गटा गठी, वो पहले शेख आए थे ना, पहले तो बोला था शेख को तो कहीं खबर खबर नहीं है, आपने तो जैसा है जिगना समाचार के पर खबर नहीं, तो पहले बोले, पहले 21 साल में आया था, 21 वर्ष हुआ, तो पहले गटा गति बोले कि तो शू क्या बोल क्या हमको कैसा है वो नहीं सुना श्लोक, नारकी बाहि कृत दुख भोगत अंतर सुख की गटा गटी, नारकी सप्तम नारकी का नारकी अपैठाना रव रव नर का नारकी, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन लेकर नहीं जाते त्या, और सम्यक दर्शन लेकर निकलते है नहीं, पर बिचने काल में सम्यक दर्शन पाते हैं, रव रव नरक में अपैठाना नरक में पड़ा अभी है, समझ में आया। वो कहते हैं बाहर कर दिखते हैं हम दुख, अंदर में वो दुख की पर्याय जरी होती है और सहनशीलता की, उसकी भी यहाँ ज्ञान करते हैं तो दुख की पर्याय है, तो वो कारण से ज्ञान हत होता है ऐसा नहीं, क्या किया समझ में आया। ज्ञान अपना ज्ञायिकता से प्रसिद्ध प्रभु, अपना भी ज्ञान करते हैं, पर का ज्ञान करते हैं, पर का ज्ञान करते होते पर है तो ज्ञान रूप पर का होता है ऐसा नहीं, अपना अस्तित्व की भूमिका में, अपना अस्तित्व में, अपना जैसा ज्ञान करते हैं ऐसा पर का भी अपना अस्तित्व में पर रूप न होकर अपने रूप रहकर स्वपर प्रकाश का ज्ञान के ज्ञेय के आकार, अपना ज्ञान आकार अपने से अपने कान से हुआ है। समझ में आया। तो कहते हैं हाँ, तू पहली गाथा हूँ तो बार गाथा में सारा समय साथ भर दिया है, पिट्ठी का लिखा है, पिट्ठी का जयचंद पंडित है कि भैया बार गाथा पिट्ठी का है, पिट्ठी का समझते ना, झाड़ होता है ना ओटला बनता है, ओटला बना पीछे पीछे फाल फूल होगा। तो कहते हैं अमृतचंद्र आचार कुंकुंद आचार परमेश्वर ना पुत्र, बराबर कहते हैं ईश्वर ना पुत्र भाई नहीं कौन ईशो ईशो परमेश्वर ना पुत्र है, साथ में लिखा है भाई वो नहीं से सर्वज्ञ का पुत्र लिखा है गौतम को, धवल में, धवल में पाठ है, सब शास्त्र में लिखा है, सब शास्त्र में पढ़ा है, कोई सब निकलते शास्त्र में है, ख्याल में से निकलते है, सर्वज्ञ का पुत्र कहा है और सम्यक दर्शी को भी कहा नहीं, तेज माई जिनेश्वर कह लघु नंदन वो भी पुत्र हो गया, लघु पुत्र है गौतम बड़ा पुत्र है, समझ में आया। संतो केवल ज्ञानी का पुत्र है, सर्वज्ञ का पुत्र है,
सर्वज्ञ की पर्याय अल्पकाल में होगी होगी उसको होगी सर्वज्ञ होगा। एक आध बहु पड़ा है स्वर्ग में जा गया है अभी कुंभाचार्य स्वर्ग में गया है पंचम काल था विकल्प निषेध करके गए है और जीव भाव का राग आता है वो प्रकार का ज्ञान अपनी सत्ता से अपने अवलंबन से करता हुआ राग कर उसको ज्ञान में राग का जानना हुआ तो राग से तो सुप्त इतनी पराधीनता है तो पर प्रकाश ज्ञान के परिणमन में ऐसा है नहीं। समझ में आया भाई ध्यान बोल राके हम जाए जो एक शब्द फरे तो मैं आंखों कहीं कुछ बात नहीं है एक शब्द पर आघा पीछा हो जाए तो फिर जाते हैं। कहते हैं विनयाकार समझे वो अवस्था में विनय कर वस्तुता नहीं क्या क्यों कारण आपसे हैं विनयाकार अवस्था में जो विनायक रूप से ज्ञात हुआ देखो विनयाकार अवस्था में फिर विनायक रूप से ज्ञात हुआ भाई हाँ हाँ राग आदि है उसको जानना तो विनयाकार अवस्था में भी राग का जानना हुआ अपनी पर्याय में हुआ ये विनयाकार अवस्था में भी विनायक रूप से ज्ञात हुआ ये विनायक रूप से ज्ञात हुआ है राग रूप से ज्ञात नहीं हुआ है न्यायिक रूप से चंद्र में लेना फिर लेना है ने समझ में आया। हाँ तो ये भगवान की भागवत कथा है नियम सार में लिया है नियम सार में आखिर गाथा में पद्म भाई ने लिया है कहा नियम सार भागवत शास्त्र है टीका में पढ़ाया नियम सार में तो नियम सार भागवत तो भागवत का भागवत है आप कहते हैं कि वो निराकार अवस्था में भाषा संस क्या है कि अग्नि दाह के आकार अवस्था में भी अग्नि ही है अपने आकार से देखो तो भी अग्नि है एम निराकार राग आदि विकल्प है उसका ज्ञान यह हुआ कि निराकार अवस्था में भी विनायक रूप से ज्ञात है विनायक रूप से ज्ञात है राग रूप से ज्ञात है ऐसा नहीं वह स्वपद स्वरूप प्रकाश में अवस्था में भी दीपक की पांति देखो ये तो स्व का प्रकाश में भी वो ज्ञाई को व्यापार है दृष्टांत देगा वो फिर थोड़ा पाचा एनिमेटी कि भगवान ज्ञाकार अवस्था में जैसे अग्नि जलाने योग्य वस्तु के आकार होने पर भी अग्नि रूपी भासती है और अग्नि से देखो तो पर अग्नि अग्नि रूप में भासती है ऐसे भगवान आत्मा राग आदि का ज्ञान करने के काल में भी न्याय रूप में भासता है और अपना प्रकाश के काल में भी न्याय रूप में भासता है पर का प्रकाश के काल में राग रूप भासता है ऐसा आत्मा है ही नहीं। समझ में आया खूबी तो ये है कि जैसी उपादान में पर्याय होती है समय समय में समझ में आया तो अपने से होती है तो निमित है तो होती है ऐसा नहीं निमित है तो होती है नहीं ऐसे यहाँ व्यवहार भी निमित है अंदर में व्यवहार भी निमित है शुद्ध उपादान की पर्याय स्वभाव के आश्रय प्रकट हुई व्यवहार निमित है तो कहते हैं व्यवहार है तो उसका ज्ञान हुआ ऐसे नहीं भाई ये व्यवहार है तो निश्चय हुआ शुद्धि हुई ऐसे तो नहीं पण व्यवहार है उसका ज्ञान किया तो व्यवहार है तो ज्ञान हुआ ऐसा भी नहीं। हाँ 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 आए तो ऐसी चीज है कि भगवान आत्मा अपना ज्ञायक शुद्ध क्यों कहा कि अपने शिवा सोन्मुख होकर उपासमान होता हुआ वो पर्याय को अंतर में वालकर सेवा किया शुद्धता प्रकट हुई तो कहते हैं वो ज्ञायक को
जानना प्रसिद्ध है ना, तो पर का जानना प्रसिद्ध आया कि नहीं, वो राग आदि को जानता है, ऐसी प्रसिद्धता राग से हुई के नहीं कि नहीं, वो राग काल में भी ज्ञान जानता हुआ राग का स्वरूप है ऐसा अपना ज्ञान का परिणत होते कहते हैं, विनायक पणे से प्रसिद्ध हुआ है, राग पणे प्रसिद्ध हुआ ही नहीं। बहु पर जीव भाई चंद्रलाल जी, हाँ तो महा सिद्धांत तो है, हाँ कोई वार्ता कथा नहीं है, सर्वज्ञ का पेट खोलकर तत्व की बात मुझे छोड़ दिया थी। भगवान आत्मा विनायकता प्रसिद्ध है न, उस ज्ञाकार भाव होने से कि नाम उसके ज्ञिकर शुद्धता नहीं, ये राग है तो पर का ज्ञान यहाँ हुआ ऐसे नहीं, ये तो राग का ज्ञान उस समय में अपने ज्ञान की पर्याय रूप परिणमन के काल में परिणमन हुआ है, अपने ज्ञायक की प्रसिद्धि से प्रसिद्ध हुआ है, राग से प्रसिद्धि हुआ पर प्रकाश का ज्ञान ऐसा है नहीं, समझ में आया। दूसरी बात कहते हैं कि अपना ज्ञान अपने आश्रय से स्वपर प्रकाशक हुआ, ये अपनी पर्याय में प्रसिद्धि हुई है, तो पर्याय में वो राग था उसका ज्ञान राग के काल में उस संबंधी का ज्ञान जानता स्वपर प्रकाश की पर्याय स्वतः प्रकट होती, ये अपने से स्वपर प्रकाश पर्याय ज्ञान की प्रसिद्धि करते हैं, राग है तो ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, तो व्यवहार है तो नीचे होता है ऐसा नहीं, अने व्यवहार है तो उसको निमित्त कहने में आया, पर निमित्त है तो उसका ज्ञान या हुआ निमित्त का ऐसा भी नहीं, ज्ञान नहीं भाई, ज्ञान का स्वतः उस समय में स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य का कार्य है, ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी स्वरूपा पर रूपा भाषी, पर रूपा भाषी पर स्वरूप होकर भाषी नहीं, अने पर है तो वो कारण स्वरूप की पर प्रकाशक पर्यायियां हुई है ऐसा नहीं। अरे जो भाई भगवान तेरी चीज ऐसी है ये तेरे समझे छूट क्या है, ये बिना कल्याण का अंश प्रकट होगा नहीं, समझ में आया, विनायक रूप से ज्ञात हुआ स्वपर स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति अब दृष्टांत देगा, दीपक करता और प्रकाश उसका कर्म है, ऐसे भगवान आत्मा विनायक करता और पर प्रकाश का अपना पर्याय अपने से हुई वो अपना कर्म है, राग उसका कार्य वो विशेष बात है।